नमस्कार दोस्तों, आप सभी का औषधि एंड हेल्थ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे नेमो नेर प्लस टेबलेट के बारे में। यह जो नेमो नेर प्लस टेबलेट है यह बुखार और दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है। आज हम इस टेबलेट के बारे में आपको जानकारी देंगे। इस टेबलेट का जो है इस्तेमाल किन रोगों में किया जाता है, इसके इस्तेमाल करने से क्या क्या लाभ होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, इसमें कौन सा कंटेंट मिलाया गया है और इसे कैसे यूज करना है। आप जो है इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए लास्ट तक देखें, तभी आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर रोजाना दवा, घरेलू नुस्खे और हेल्थ टिप्स संबंधी जानकारियाँ मिलती रहेगी। दोस्तों यह जो है एक स्ट्रिप में 10 टेबलेट में आता है और 10 टेबलेट का जो प्राइस है आपको 44 रुपये मिल जाएगा। यह दवा आपको सभी मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों अब जान लेते हैं इसके कंटेंट के बारे में, इसमें कौन सा कंटेंट मिला हुआ है। इसमें जो है निमोसलाइड 100 mg, पैरासीटामॉल 325 mg मिला हुआ है। दोस्तों एक बात का जरूर ध्यान दें, जब भी आप मेडिकल स्टोर पर दवा लेने जाएँ तो उसका एक्सपायरी डेट जरूर देखें और किसी भी दवा का सेवन करने से पहले डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अब बात करते हैं इस टेबलेट का इस्तेमाल किन किन बीमारियों में, किन किन रोगों में किया जाता है। यह जो है बुखार, सिर दर्द, दांत दर्द हो रहा हो, कमर दर्द हो रहा हो, गठिया का दर्द हो रहा हो, जोड़ों का दर्द हो रहा हो, या फिर चोट के लगने के बाद होने वाले दर्द में, ऑपरेशन के बाद होने वाले दर्द में, मासिक धर्म में होने वाले दर्द में, इन सब रोगों में इस टेबलेट का यूज किया जाता है। दोस्तों इसके डोज के बारे में जान लेते हैं। इस टेबलेट की जो है एडल्ट दिन में 2 टेबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद ले या डॉक्टर के सलाह के बाद इस टेबलेट का सेवन करें। इस टेबलेट के कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे सीने में जलन हो सकता है, चक्कर आ सकता है, उल्टियां मतली हो सकती है, थकान महसूस हो सकता है, शरीर में लाल लाल दाएँ निकल सकती है, ऐसी समस्या हो सकती है। अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या लगे तो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।